कई सारे बच्चों का ये डाउट है कि जेईई मेंस की जो एग्जाम डेट है भाई वो कब अनाउंस होगी। जैसा आप जानते हो कि बेट सेट की जो एग्जाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है कि आपका बेट सेट 2021 का जो पेपर है वो 3 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक होगा भाई। एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स भी बढ़ चुकी हैं, आप 7 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हो बिट सेट 2021 के लिए। आप जानते हो कि आपका जो बिट्स के जो कॉलेज होते हैं वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं यार, तो अगर आपकी इच्छा है तो आप उन एप्लीकेशन फॉर्म को 7 जुलाई तक भर सकते हैं यार। अब बात करते हैं कि जेईई मेंस 2021 की एग्जाम डेट क्या हो सकती हैं, उनकी थोड़ी सी बात करेंगे यार, कब अनाउंस होंगी उसकी भी थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो जो चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जानते हो कि बिट सेट की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है यार, 3 से लेकर 6 अगस्त तक हमारा बिट सेट 2021 का पेपर होने वाला है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जेई मेंस में जैसे आपको पहले बताया गया कि यार जेई मेंस जब भी होगा उसके 15 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट यहाँ होने वाला है, इस डेट को होने वाला है, जेई मेंस में अटेम्प्ट इस डेट को होने वाला है। अपन अगर मान के चले कि जेई मेंस की जो अपन एक्सपेक्टेड डेट्स मान रहे हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेड डेट है भाई वो कितनी मान के चल रहे हैं, वो अपन मान के चल रहे हैं हमारा कि भाई लास्ट जुलाई अपन मान सकते हैं, या क्या मान सकते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त मान सकते हैं, अगस्त का पहला वीक भी मान सकते हैं ये, ठीक है। तो यहां पर अपन मान के चल रहे हैं तो इसके 15 दिन पहले, ठीक है, और यहां पे भी 15 दिन पहले मान के चले तो लगभग अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं यार, या 20 दिन पहले तो बताएंगे भाई, 15 दिन ऑफिशियली है, लगभग 20 दिन पहले वो बता देते हैं भाई, ठीक है। तो अपन ऐसा मान के चलते हैं कि हमारा जो फर्स्ट वीक है जुलाई का, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हमें ये पता चल सकता है कि हमारा जो जेईई मेंस 2021 है अप्रैल अटेम्प्ट और मई अटेम्प्ट उसकी डेट क्या हो सकती है यार, ठीक है। आपको करना बस इतना सा है कि आप जो अपनी तैयारी कर रहे हो जेईई मेंस 2021 की उसे आपको 20 या 22 जुलाई तक बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है, हर चीज को हर कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना है। उसके बाद जितने भी दिन बचे हैं एग्जाम डे तक उसमें आपको क्या करना है, आपको पेपर सॉल्व करना है, ठीक है, टाइम बाउंड होकर आपको पेपर सॉल्व करना है। अगर टाइम बाउंड होकर आपने पेपर सॉल्व नहीं करा तो पेपर सॉल्व करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, आपके कोई काम का नहीं, क्योंकि आपका दिमाग टाइम बाउंड होगा तो अलग तरीके से चलता है और बगैर एकदम फ्री होकर अगर दोगे तो उसका अलग लेवल होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, टाइम बाउंड होकर आप अपने पेपर को दें, 20 से 22 जुलाई तक आप अपना सिलेबस पूरी तरीके से खत्म कर लें, उसके बाद आप पेपर दे सकते हैं और अपने जो टॉपिक हैं, ठीक है, जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको समझ आएगा पेपर देने के बाद कि भाई यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इस टॉपिक को अगर और रिवाइज करने की जरूरत है तो मैं कर सकता हूं यार। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो इस टाइम पे कि 20 से 22 जुलाई तक हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है अच्छी तरीके से। और जिन बच्चों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है मैं आपको बताना चाहता हूं, केमिस्ट्री अड्डा पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक से एडवांस लेवल तक तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलने वाले हैं PYQ शॉर्ट नोट्स मिलने वाले हैं, ठीक है, आपको कॉन्सेप्चुअल लेक्चर रेगुलर मिल रहे हैं, NCERT सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, जिससे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा बूस्ट होने वाली है। और जब नीट या JEE का पेपर होगा तो बहुत रफ्तार में ऑर्गेनिक के क्वेश्चन फोड़ सकते हैं यार। तो अपन यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो जेई मैन है भाई उसकी जो हमें डेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में पता चल जाए यार, फर्स्ट या अपन लगभग मान के चलते हैं कि फर्स्ट या सेकंड वीक तक तो हमें बिल्कुल कंफर्म पता चल जाएगा कि हमारा जेई मेंस 2021 की अप्रैल और मई टाइम की क्या डेट होने वाली है। तब तक के लिए पढ़ते रहें, जय हिंद जय भारत।